लगता है गियर बॉक्स खराब हो गया। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ये खटारा लेकर मत चलो। अरे डार्लिंग, मैंने तुम्हारे लिए सेलो बुक की है ना, तो फिर मैं देख कर आऊं। अब क्या करेंगे? अरे देखते हैं जंगल में कोई सहारा वारा मिल जाए। हा? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अरे तुम इस जंगल में कहाँ चलोगी मेरे साथ? नहीं, मुझे डर लगता है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ओ डार्लिंग, यू सिट डाउन जस्ट। नहीं नहीं डार्लिंग, व्हाई डोंट यू लिसन टू मी, सिट डाउन, आई विल चेक इट आउट। डर लग रहा था इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे चली आई। अच्छा वो तुम यहाँ चली आई, चलो देखते हैं शायद यहाँ रात गुजारने को मिल जाए। इस खंडर में डार्लिंग, यहाँ कोई फाइव स्टार होटल तो मिलेगा नहीं, इसी खंडर को फाइव स्टार होटल इमेजिन करना पड़ेगा। चलो कोई है? अरे कोई है? मुझे लगता है यहाँ कोई नहीं रहता। चलो राहुल यहाँ से, मुझे डर लग रहा है। लेकिन इतनी रात को हम लोग जाएंगे कहाँ पर? लगता है कोई आ रहा है। चलो देखते हैं। कौन हो तुम? देखिए हमारी गाड़ी खराब हो गई है, अगर आप आज की रात हमें यहाँ रुकने दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। और कौन है साथ में? कोई नहीं, बस हम दो। आइए। वाओ लवली प्लेस। रूम उधर है, आइए।
ये आप लोगों का कमरा है, आइए। सुनो, यहाँ अक्सर लाइट आता जाता है, अगर लाइट चला जाए तो कैंडल जलाने का जी। अंदर पड़ा है। गुड नाइट। गुड नाइट। को तुम्हें बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। राहुल नहीं छोड़ो मुझे। राहुल तुम्हारी खूबसूरती की वीरानी को अपने मोहब्बत से आबाद कर दूंगा। राहुल प्लीज, राहुल प्लीज, ये क्या कर रहे हो राहुल? राहुल छोड़ो मुझे, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। फ्रेश राहुल प्लीज रुको। अरे रुको राहुल प्लीज, पहले मैं फ्रेश। अरे तुम्हारे हुस्न में वो रंगत है कि तुम्हें छूते ही पानी में ताजगी आ जाएगी। ओह गॉड, तुम्हें कैसे समझाऊं? ये मेरा नहीं, इस नादान दिल का दोष है। राहुल तुम मेरे अच्छे पति हो ना? Of course. मेरा एक काम करोगे? क्या? मेरा बैग वहाँ छूट गया, प्लीज ला दो। अरे बैग को छोड़ो ना। प्लीज फिर तुम जो भी कहोगे मैं करूँगी। पक्का? प्रॉमिस? प्रॉमिस। मैं भी क्या अभी आया। थैंक यू। तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा बर्थडे है, नहीं तो मैं भी कुछ गिफ्ट लेके आता। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, तुम चलो ऊपर मैं बताती हूँ। ओके। वाव, ब्यूटीफुल। तो मुझे यहाँ क्यों लेके आई डॉली? राहुल तुमने मुझसे कहा था ना कि मेरे बर्थडे पर कोई गिफ्ट दोगी मुझे। ये क्या कर रही हो तुम? राहुल आज तो कम से कम मेरा बर्थडे है। राहुल नहीं डॉली, लोग तुम्हें नीचे ढूंढते होंगे और फिर कोई भी आ सकता है ऊपर। नखरा नहीं करो राहुल, क्या मैं तुम्हें जानती नहीं? कॉलेज की आखिर कौन सी लड़की है जो तुमसे बची होगी? अरे डॉली मैं बदल चुका हूँ और सचमुच रानी से बहुत प्यार करने लगा हूँ। आई डोंट माइंड, थोड़ा सा प्यार मुझे भी दे दो, क्या फर्क पड़ेगा राहुल? अगर रानी को पता चलेगा तो बहुत नाराज होगी वो। कम ऑन राहुल, रानी को पता चलेगा तो क्या होगा? तुमने उसे प्यार किया है ना तो उसकी गुलामी की है। कम ऑन राहुल। डॉली रानी तुम्हें नीचे ढूंढ रही है। ओह शिट, मर गया। फिकर मत करो राहुल, तुम जाओ मैं आती हूँ। डॉली नजर नहीं आ रही, वो ऊपर राहुल को अपना बेडरूम दिखाने गई है। बेडरूम? हाँ राहुल चीज ही ऐसी है। हाय रानी। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई है। हाँ तुम्हारी खुशी मैं देख रही हूँ। कम ऑन यार, कुछ एंजॉय करते हैं। व्हाई नॉट। श्योर। राकेश? यस कमिंग। फ्रेंड्स फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आइए हम सब मिलकर टीवी वालों के लिए एक इंटरेस्टिंग आइटम बनाते हैं। कम ऑन। लेकिन ये बताने से पहले आप लोग अपना अपना ग्रुप सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए मेरे पास दो बॉल्स हैं, इनमें से एक में हम सब के नाम है और दूसरे में गानों के मूड्स हैं। अब मैं इसका जादू आपको दिखाता हूँ। आइए आइए आइए, कौन आएगा पहले? आप आइए। कमान कमान कमान, फास्ट 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 फास्ट, इसमें से एक निकालिए, इसमें से भी एक निकालिए और देखिए किसका नाम आया है। मिस्टर धीरज। धीरज धीरज धीरज, कमान कमान आइए और पढ़िए। केएल सहगल। वाह वाह क्या बात है। एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा। थैंक यू। तालियां।
अभी कौन आएगा, अभी कौन आएगा? आइए आइए, आप आइए, आप आइए, कमन 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 कमन, फास्ट 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 फास्ट, इसमें से एक निकालिए, ये पढ़िए पढ़िए पढ़िए, कवाली 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 कवाली, इसमें से भी एक निकालिए, ये राहुल राहुल राहुल, क्या बात है, नहीं 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 राहुल, मुझे कवाली नहीं आती, नहीं मैं नहीं गाऊंगा, ये बंदर क्या कवाली गाएगा, राहुल राहुल राहुल, ये बात है, कम ऑन फ्रेंड्स, बात होटो पे अगर आई है तो बोल ही दो, बात होटो पे अगर आई है तो बोल ही दो, एक नागिन की तरह बैठी है जो पल खाए, गिर दिल आज तेरे सामने मैं खोल ही दूं, गिर दिल आज तेरे सामने मैं खोल ही दूं, मेरी जाना हो मेरी जाना, मुझसे अब साथ तेरा छूटने वाला है सनम, कब जाता हूँ मैं अक्सर ये तसव्वुर करके, मुझसे अब साथ तेरा छूटने वाला है सनम, जो हंसी कसमों के उनवान से दिया था हमने, प्यार का जाम वो अब टूटने वाला है सनम, मेरी जाना होए मेरी जाना, मेरी हमदम मेरे हमराह है सफर, बात होटो पे अगर आई है तो बोल ही दूं, बात होटो पे अगर आई है तो बोल ही दूं, मेरी जाना होए मेरी जाना, हो तुम किसी उलझन में परेशान हूँ मैं, एक कशम कशी बढ़ी जाती है हम दोनों में, महज हो तुम किसी उलझन में परेशान हूँ मैं, एक कशम कशी बढ़ी जाती है हम दोनों में, ये हकीकत है भले ही न इसे तू माने, कोई दीवार खिंची जाती है हम दोनों में, मेरी जाना होए मेरी जाना, मेरी हमदम मेरी हमराह सफर, बात होटो पे अगर आई है तो बोल ही दूं, बात होटो पे अगर आई है तो बोल ही दूं, एक नागिन की तरह बैठी है जो पल खाए, गिर दिल आज तेरे सामने मैं खोल ही दूं, गिर दिल आज तेरे सामने मैं खोल ही दूं, मेरी जाना होए मेरी जाना, मेरी जाना मेरी जाना है मेरी जाना, मेरी जाना है मेरी जाना, रुको रानी, रानी रुको, रानी वेट, रानी रानी वेट, रानी छोड़ो मुझे, रानी मेरी बात सुनो, अपनी आंखों से सब कुछ देख लेने के बाद अब सुनने के लिए बाकी ही क्या रहा, तुमने जो देखा वो हकीकत नहीं है, हकीकत यही है कि तुम एक फ्लर्ट हो और फ्लर्ट ही रहोगे, तुम कभी नहीं बदलोगे, आई हेट यू, I hate you. तुम सही कह रही हो, मैं नफरत के ही लायक हूँ, पास्ट में जो फ्लड का लेवल मुझ पर लग चुका है, मेरा अतीत तो मेरा पीछा करेगा ही ना, मुझे अब तुम पर भरोसा नहीं रहा, so please leave me alone. मुझे दुख इसी बात का है, जब मैं फ्लड था तो हर कोई मुझ पर विश्वास कर लेता था, और आज जब मैं सुधर गया हूँ तब कोई मेरी बात का विश्वास नहीं करता, मुझे कुछ नहीं सुनना है रानी,
रानी मुझे छोड़ के मत जाओ रानी, बड़ी मुश्किल से मैं इस दलदल से बाहर निकला हूँ रानी, अब फिर से उस दलदल में नहीं जाना चाहता। तुम एक बार प्लीज एक बार डॉली से मिल लो, उससे बात कर लो, तुम्हें सच्चाई का खुद ब खुद पता चल जाएगा। सच्चाई का पता तो तुम्हें डॉली के साथ देखते ही चल गया था। तुम दोनों के चेहरे पर उड़ती हुई हवाइयां तुम्हारे पाप की दास्तान कह गई। लेकिन उसका जिम्मेदार मैं नहीं था, डॉली है, उसने जबरदस्ती मेरे साथ। राहुल जस्ट शट अप, मुझे इतना बेवकूफ मत समझो। दुनिया में लड़कियों के साथ जबरदस्ती होते सुना है, मगर कोई लड़की लड़के के साथ जबरदस्ती करे ये पहली बार सुन रही हूँ। रानी मेरी बात का यकीन करो, उसने एक सोची समझी साजिश की है, जरूरी बात के बहाने मुझे पार्टी में बुलाई और फिर बेडरूम में ले गई। झूठ है ये सब। झूठ समझ कर मेरी पूरी बात सुन लो। जैसे ही मैं रूम में पहुंचा वो जबरदस्ती मुझे किस करने लगी। मैं जानता हूँ तुम मेरी बात पर भरोसा नहीं करोगी, और करोगी भी कैसे, मैं बदनाम जो हूँ। एनीवे जिंदगी के किसी मोड़ पर अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन हो जाए तो मैं सच्चा था, तो एक बार सिर्फ एक बार मुझे आवाज दे देना कि मैं सही था। आई चेंज रानी, आई चेंज, मैं बदल चुका हूं रानी। राहुल मुझे अपने प्यार पर भरोसा है। आई लव यू राहुल। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। वाओ, आई लव यू राहुल, आई लव यू। इसे कहते हैं औरत का श्रृंगार। मैंने आधे घंटे का फ्लैशबैक भी देख लिया लेकिन इनका अभी तक नहाना ही नहीं हुआ। महल खड़ा है और हुस्न इस तरह गुमसुम है, ये देख दिल मचल रहा है कहीं मैं खुदकशी न कर लूं। रोक लो इन अदाओं को कहीं दरो दीवार का ईमान न बैठ जाए। पांचवा जोड़ा था जो हनीमून मनाने खंडाला जा रहा था और रास्ते में ही गायब हो गया। इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए हमें सौंपा गया और हमारी पुलिस अब तक अंधेरे में ही तीर चला रही है। सर हमने जगह जगह शादी वर्दी में पुलिस
और अपने मुखबिर लगा दिए हैं और रात में पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी है। सिर्फ सरकारी पैसा और पेट्रोल फूकने से कुछ नहीं होगा, सारी मेहनत बेकार जाएगी। जब तक अपराधियों को पुलिस और कानून से डर नहीं लगता तब तक ऐसा ही होगा। अपराधी अपराध करता रहेगा और हम सिर्फ फाइलें बनाते रहेंगे और जनता के सामने निकम्मे कहलाएंगे। सर, इस केस में अभी तक कामयाबी न मिलने का एक और कारण है कि वहां की जनता बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रही है। अरे जनता क्यों कोऑपरेट करेगी, वो खुद डरी हुई है। इस वक्त उन्हें हमारे मदद की जरूरत है और हम सिर्फ अफसोस जता रहे हैं। सर, मेरे ख्याल से प्रिकॉशन के तौर पर खंडाला में हनीमून के लिए जाने पर बैन लगा देना चाहिए। मिस्टर कुलकर्णी, आप कहना क्या चाहते हैं? सर, अब तक जितने भी जोड़े गायब हुए हैं सबके सब खंडाला में हनीमून मनाने जा रहे थे। हो सकता है कि अपराधियों का या उस अपराधी का हनीमून से कोई ताल्लुक हो, इसलिए वो ऐसे जोड़ों को अपना शिकार बना रहा है। हम ऐसा बैन नहीं लगा सकते, वरना नई कॉन्ट्रावर्सी खड़ी हो जाएगी। प्रेस वाले पुलिस डिपार्टमेंट की धज्जियां उड़ा देंगे, समझे? इसलिए हमें डिफेंसिव अप्रोच की जगह अटैकिंग अप्रोच रखना चाहिए। हमारे यंग कॉप को जोड़ा बनाकर खंडाला भेजना चाहिए। सॉरी सर, ऐसा हम कर चुके हैं, लेकिन वो लोग सही सलामत खंडाला पहुंच गए, उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब अपराधी बहुत ही शातिर किस्म का है, इसलिए हमें अब तक का प्रोग्रेस फिर से एक बार एनालाइज करना होगा, क्योंकि इस केस में हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क पूरी तरफ फेल हो चुका है। मैं आशा करता हूं कि हमारी अगली मुलाकात किसी नतीजे के साथ होगी। नतीजा कुछ भी हो सकता है। अशोक, तुम मनीष को एज अ फ्रेंड समझाते क्यों नहीं? जर्नलिज्म में इतनी एक्साइटमेंट ठीक नहीं। देखो रेनू, तुम कहती तो मैं उससे बात करूंगा, लेकिन तुम भी उसके स्वभाव को अच्छी तरह जानती हो। वो जो ठान लेता है उससे पीछे नहीं हटता। क्या आ रही है इसके न्यूज की चर्चा क्या हो गई है? इसका दिमाग सातवें आसमान पर चला गया है, हर वक्त अपनी बहादुरी दिखाने में लगा रहता है। उस पागल पर पता नहीं शिवानी कैसे पगला गई है। अरे भाई, पत्रकारों के भी दिल होते हैं। जो मौका पाते ही प्यार की धुन पर थिरक उठते हैं, जैसे मेरा दिल रेनू के लिए धड़कता है। Hi guys, meet my friend Mr. Khanna. This is Ashok. Hi. Hi. Renu. Hi. Hello. Vijay. Hello. And Piyush. Hi. Nice to meet you. Hi, Mr. Khanna. Excuse me. Oh, sure. Hi, Kajal. Hi, Mr. Khanna. Cold drinks चला जा रही हैं? क्या यार, तुमने बहुत देर कर दी। सोचा लगे आता हूँ, पैकिंग का काम भी निपटाई डालूं। लगता है तुम पागल हो गए हो। लगता ही नहीं, ये वाकई पागल हो गया है। ये भाई साहब खंडाला जाएंगे। Yes, मैं वहां जाकर दो चार दिन रुकूंगा और हकीकत का पता लगाने की पूरी कोशिश करूंगा। दो चार दिन? हाँ। अरे वहां तो एक एक घंटे में इंसान गायब होते हैं। ये रिस्क मत लो मनीष। देखो रेणु, तुम ये अच्छी तरह जानती हो कि इसी रिस्क की पतली डोर के सहारे हम एक कामयाब की मंजिल तक पहुंचते हैं और समाज को हालात के नए रूप से रूबरू कराते हैं। यार, इसकी फिलॉसफी फिर शुरू हो गई। शिवानी, अब तुम ही इसे कुछ समझाओ। देखो मनीष, अगर तुम खबर नहीं लाओगे तो कोई अखबार बंद नहीं हो जाएगा, और अगर मान लो अपनी जान की बाजी लगाकर तुम खबर ले भी आए तो तुम्हें कोई मेडल नहीं मिलने वाला। हाँ, ये जरूर है कि अखबार वाले तुम्हारी जान का सौदा करके अपनी जेब जरूर गर्म कर लेंगे। देखो शिवानी, तुम्हें अच्छी तरह जानती हो क्योंकि तुम भी एक जर्नलिस्ट हो, कि एक पत्रकार की जिंदगी में खबर की कितनी अहमियत होती है, और हर पत्रकार की अगली मंजिल एक सनसनीखेज खबर होती है। कम ऑन मनीष, ये कोई मामूली केस नहीं है। 10 लोग लापता हैं, पुलिस अभी तक उन्हें ढूंढती फिर रही है। अभी तक पता नहीं लग सका कि वो जिंदा है या मुर्दा। मैं कहती हूँ मनीष, एक बार फिर से सोच लो। माता माता माता, सोच लिया। अब चाहे जो भी अंजाम हो, मैं वहां जाकर रहूंगा। मुझे समझाने से कोई फायदा नहीं। फॉर गॉड सेक मनीष, अपने बारे में नहीं तो शिवानी के बारे में सोचो। और खुदा ना खास्ता तुम्हारे साथ अगर कुछ हो गया तो शिवानी का क्या होगा? मनीष, तुम ये फैसला होश में नहीं, जोश में कर रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि खबर लाने के चक्कर में तुम खुद एक खबर बन जाओ। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरी जिंदगी का मकसद ये महज अखबार की चाल लाने नहीं है। और रही शिवानी की बात, अगर वो मुझसे वाकई प्यार करती है तो मेरे फर्ज, मेरे काम में कभी रोड़ा नहीं बनेगी। मनीष, तुम्हें मेरे प्यार का वास्ता, तुम मेरी एक बात मान लो। शिवानी, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूं,
लेकिन हाँ, अगर तुम खंडाला जाने में रुकावट बनोगी तो हमारे बीच जो संबंध हैं वो नहीं रहेंगे। मैं अपने प्यार के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हूँ। मैं तुम्हारी राह का रोड़ा नहीं बल्कि तुम्हारी हमसफर हूँ, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। और मैंने तो अपना सामान पहले से ही पैक कर रखा है, ये देखो। शिवानी, तुम मेरे साथ चलने का रिस्क क्यों मोल ले रही हो? ये सवाल तुम अपने आप से पूछो। ओके ओके गाइस, अगर हम गायब नहीं हुए तो फिर मिलेंगे। बाय। मे गॉड हेल्प यू बोथ। खाक की ब्लेसिंग दे रही हो। अरे भगवान उनकी मदद करता है जो खुद की हेल्प करते हैं, ऐसे पागलों की नहीं। कूल डाउन अशोक, यह अच्छा नहीं हुआ रेनू। काश हम उन्हें रोक पाते। अशोक, ये लोग जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो रास्ता सीधे मौत की तरफ जाता है। क्या हुआ मनीष, बाइक क्यों रोक दी? देखो शिवानी, तुम अब भी अपना फैसला बदल लो। मैं जानती हूँ किस खौफ से तुम्हारे कदम लड़खड़ा गए हैं। देखो शिवानी, तुम गलतफहमी में हो। अगर मुझे मौत का इतना ही खौफ होता तो मैं जर्नलिज्म में नहीं आता, अपने बाप की दुकान पर अपने भाइयों के साथ बैठकर कपड़े की दुकान पर गज से कपड़े फाड़ रहा होता। ओके, या फिर येलो जर्नलिज्म करता, या फिर चटपटी खबरें, मसालेदार खबरें, गॉसिप, ये सब कुछ छापकर ऐशो आराम की जिंदगी जीता। लेविश लाइफ। मेरा वो मतलब? तुम्हारा मतलब भी मतलब हो, लेकिन मेरी जिंदगी में खौफ शब्द का कोई मतलब नहीं। बस मुझे फिक्र है तो सिर्फ तुम्हारी। हालांकि मेरे जीते जी तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को जीते जी माफ नहीं कर पाऊंगा। और तुम्हें कुछ हो गया तो क्या मैं जिंदा रह पाऊंगी? मैं जीते जी मर जाऊंगी। अरे शिवानी, तुम रोने लगी यार। आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली वेरी सॉरी, मैंने तुम्हारा दिल दुखा दिया ना। प्लीज मुझे माफ कर दो। एक शर्त पर माफ करूंगी। एक नहीं, दो बोलो। क्या शर्त है तुम्हारी? आज के बाद तुम मुझसे जुदा होने की बात नहीं करोगे। ए पागल, हम कहां जुदा हो रहे हैं, हम तो साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे और साथ साथ ढेर सारे बच्चे पैदा करेंगे। ढेर सारे क्यों? जब ढेर सारा प्यार करेंगे तो बच्चे भी तो ढेर सारे पैदा होंगे ना। चंगू मंगू पिंगू टिंगू नंगू। अच्छा बाबा, हम क्रिकेट की टीम नहीं और टेनिस की टीम ही तैयार करेंगे ना। टेनिस की टीम तो जरूर तैयार करेंगे। अब तो खुश ना? तुम साथ होते हो तो दुनिया की सारी खुशियां मिल जाती हैं। फिर तुम कभी कभी ऐसी बातें क्यों करते हो? क्या तुम मुझे कमजोर समझते हो? शिवानी, मेरा मन साथ ही है। मैं सारी खुशियां तुम्हें देना चाहता हूँ, तुम्हारे सारे गम लेना चाहता हूँ। यू चीट, जीवन साथी तो सुख दुख दोनों में ही बराबर के हिस्सेदार बनना चाहते हैं। दूर के प्यार में हमारे प्यार में यही तो फर्क है। लोग प्यार के अंदर सिर्फ पाना चाहते हैं और मैं प्यार में देना चाहता हूँ। मनीष, कभी कभी तुम्हारा प्यार देखकर मुझे बहुत डर लगता है। क्यों? मेरा प्यार इतना डरावना है क्या? नहीं, डरावनी लोगों की कहावतें हैं। क्या मतलब? जो अनचाहे याद आ जाती हैं। लोग कहते हैं कभी कभी अपनी खुशियों को अपनी ही नजर लग जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे प्यार को मेरी ही नजर लग जाए। अब क्या सारी रात गले ही मिलते रहोगे? हाँ। खंडाला नहीं जाना है क्या? हाँ, श्योर। कम ऑन। चलें? शिवानी, यार ये खंडाला तो लेफ्ट में था, ये एरो राइट क्यों दिखा रहा है? जिधर एरो है उधर ही चलो। लेकिन दो साल पहले तो ये लेफ्ट में ही था, हो सकता है राइट में हो गया दो साल बाद। चलो राइट में ही चलते हैं। तुम्हारी बात भी कभी कभी मान लेनी चाहिए। मेहरबानी। आ,
क्या हो गया? अब क्यों गाड़ी रोक दी? पता नहीं यार, इतने झटके लेकर अपने आप रुक गई। ओह नो। ओह यस। उतर, हट। चेक करूंगा। झटके देखे इसके, जैसे तू लेती है गुस्से में। पेट्रोल तो सही जा रहा है, लग का तार भी बिल्कुल ठीक है यार। अरे यार अपनी जगह ठीक है, समझ में नहीं आया आप क्यों हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? पैदल यात्रा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसे भी इसी जंगल में खराब होना था। अरे बता देती तू, ये बेचारी किसी साफ सुथरी जगह पर देखकर खराब होती। क्या क्या क्या, चलो चलते हैं, शायद रात में यहीं कहीं ठिकाना मिल जाए। तुम्हें भी हर वक्त मजाक सूझता रहता है। मजाक सूझता रहता, यहीं खड़ी होगी। अब चलो भी। आओ। नहीं यार, मनीष तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, ये देखो कितनी अच्छी कोठी है। मुझे तो यहाँ डर लग रहा है मनीष। किससे? वैसे डर तो मुझे भी लग रहा है, कुत्ता ना हो यार। डर बुक कहीं के। अरे कोई है? कोई है भाई? हेलो, कोई है? कोई है? लगता है यहाँ कोई नहीं है। नहीं नहीं, कोई तो होगा अंदर, चलो देखते हैं आगे। मनीष रसमलाई हूँ, बाबा को खाना देने आई थी। ये बाबा कौन है? डिकोस्टा बाबा, वही तो इस कोठी की रखवाली करते हैं। अच्छा, लेकिन अबू कहाँ है? वो है नहीं, इसलिए तो मैं जा रही थी। लेकिन आप? हम लोग मुसाफिर हैं। और ये? मेरी दोस्त है। तो क्या आपकी भी गाड़ी खराब हो गई थी? हा? हाँ, क्या यहाँ रुकने के लिए गाड़ी का खराब होना जरूरी है? नहीं, लेकिन अक्सर जो यहाँ रुकते हैं उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसीलिए आज रात हम इसी कोठी में गुजारना चाहते हैं। रात को यहाँ रुकना ठीक नहीं, अक्सर जो लोग यहाँ रुकते हैं रात में ही वो गायब हो जाते हैं। मेरी मानिए, रात को कहीं और चले जाइए। देखो, अगर हमारी किस्मत में यहाँ मौत नहीं लिखी तो हमें कुछ नहीं होगा। रही बात गायब करने वाली की, तो हम उसे अपना जर्नलिस्ट कार्ड दिखा देंगे तो हमें माफ कर देगा। आपकी मर्जी। सो तो है यार, तुम्हारा चेहरा देखकर तो मुझे डर लगने लगा, सच में। प्लीज स्माइल करो। खुश। उसने क्या नाम बताया था? रसगुल्ला? नहीं नहीं नहीं, हाँ रसमलाई। जो रसमलाई ने बताया था, मेरे ख्याल से वो यही होगा। हेलो, कोई है? कहीं हम मौत को तो आवाज नहीं दे रहे हैं? तुम लड़कियों की यही तो प्रॉब्लम है, उसने गायब होने की बात कही है और तुमने मान ली। ये लोगों के मन का भ्रम होता है और कुछ नहीं, दैट्स इट। अच्छा है भ्रम का भ्रम बना रहे, वरना भ्रम का टूटना उसके बनने से ज्यादा खतरनाक होता है। तुम्हारी फिलॉसफी फिर शुरू हो गई। यार हम यहाँ क्यों आए मालूम है ना? तुम्हारी और मेरी मंजिल यही है, है ना? अरे भाई कोई है? उस लड़की ने बताया ना कि बाबा यहाँ नहीं है। बताया तो फिर हम लोग यहाँ खड़े क्या कर रहे हैं? चलो अंदर चलते हैं, जब बाबा आए तो उनसे बात कर लेंगे। डरी हुई लग रही है। चल।
शानदार कोठी है, आशिकों के स्वागत में बेचैन खड़ी। बहुत बढ़िया। शिवानी ये तो बिल्कुल वैसे ही हुआ ना जैसे हॉरर फिल्म में होता है कि ये हीरो ने कोठी में कदम रखा और कुत्तों ने भागना शुरू कर दिया। हंसो मत, शायद तुम्हारी जबान से हकीकत के शब्द फूट रहे हैं। ओ कमॉन यार, जब आदमी भौंक सकते तो कुत्ते क्यों नहीं भौंक सकते? ये कुत्ते ही भौंक रहे हैं और कुछ नहीं। वैसे कोठी बहुत शानदार है। शानदार तो है। शिवानी एक बात कहूं? पूछोगी नहीं क्या? क्या? मैं शादी के बाद हनीमून मनाने तुम्हारे साथ ऐसी एक जगह जाऊंगा जहां दो प्यार भरे दिलों के बीच कोई दीवार बनने वाला ना हो। मनीष यहाँ कोई नहीं है, शायद हम गलत जगह आ गए हैं। हम गलत जगह नहीं आए हैं, यही यही हमारी मंजिल है। यहाँ तो कोई नहीं है, फिर ये दरवाजा क्यों अपने आप हिल रहा है? यार यहाँ भी कोई नहीं है। पीजी ये हवा से खुल बंद हो रहा था, वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था, फिर मेरे पास कैसे होगा? अब सारी रात यहीं खड़े रहोगे या अंदर चलोगे? मैं खड़ा हूँ या तुम? तुम्हारी नाक पर गुस्सा रखा रहता है। एक दूध पड़ा जा रहा है क्या? तुम्हारे सामने ये जीता जागता काम देव है वो? तुम अपना बिस्तर कहीं और जाकर लगाओ। ठीक है भाई, हम किसी दूसरे कमरे में चले जाते हैं। लेकिन शिवानी जी, मैंने सुना है इस कमरे से लोग गायब हो जाते हैं। हा? कोई बात नहीं, मैं तो जा रहा हूं किसी दूसरे कमरे में। अगर मैं गायब हो गया ना तो बैठ ही रहना मेरे इंतजार में, और हाँ और अगर तुम गायब हो गई तो मुझे दोष मत देना। मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं गुड नाइट। मनीष मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ। मैं तो मजाक कर रहा था शिवानी, हकीकत तो यह है कि मैं तुम्हें पल भर के लिए भी अपने से अलग नहीं कर सकता। सच। आई लव यू मनीष। आई लव यू। आई लव यू टू। बहुत डर लग रहा है मनीष। मैं देखता हूं। मुझे बहुत डर लग रहा है। डार्लिंग मैं देखता हूं, मैं कह रहा हूं ना। नहीं प्लीज मत जाओ। अरे मैं कह रहा हूं। नहीं प्लीज। मैं देखता हूं ना यार। नहीं तुम मत जाओ। अरे मैं देखता हूं यार। शिवानी यहां कोई नहीं है यार, तुम खुद भी डरती हो मुझे भी डराती हो। तुम्हारे कान बजते हैं यार, वहां कोई भी नहीं है। फिर दरवाजा किसने नॉक किया? वो लड़की ठीक कह रही थी, इस कोठी में जरूर कोई रहस्य है। हाँ वो बिल्कुल ठीक कह रही थी, इस कोठी में एक नहीं दो रहस्य हैं। दो? हाँ जानती हो कौन से? मैं तू। मजाक छोड़ो यार, लगता है ये रात हम पर बहुत भारी पड़ने वाली है। शिवानी तुम बिल्कुल बिल्कुल फिक्र मत करो, मेरे दिमाग में एक आइडिया है।
क्या तुम वीडियो कैमरा लाई हो? हाँ। शिवानी, तुम इसे पकड़ो क्विक। मनीष तुम ये क्या कर रहे हो? मनीष प्लीज मुझे आखिर बता तुम कर क्या रहे हो? तुम यहाँ बैठो और शूट करना शुरू करो। लेकिन इससे क्या फायदा होगा? अगर ये रात हमने सही सलामत गुजार दी तो कल की सुबह एक रात से पर्दा हटा देंगे। तुम कैमरा ऑन करो, मुझे शूट करना शुरू करो। हम दुनिया को बता देंगे कि यहाँ से लोगों के गायब होने का राज क्या है। हेलो, मैं मनीष मल्होत्रा। इस बीरानी रात में खंडाले के पास एक कोठी में हूँ। यहाँ लोगों का ऐसा मानना है कि कोठी में कोई आता है और लोगों को गायब करता है। तो आइए आज की रात इस राज का पर्दाफाश करें। दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा कोई आ रहा है। इस सुनसान कोठी का माहौल यकायक खौफनाक हो चुका है। इस वक्त रात के 2 बजे हैं। सन्नाटे को चीरती हुई कुत्तों के रोने की आवाजें, कदमों की आहट, मुझे घबराहट हो रही है। इस समय रात के 3 बजे हैं। कोई मेरी तरफ चला रहा है। मुझे घबराहट हो रही है। उसके कदम की आहट मुझे महसूस हो रही है। वो मेरी तरफ पड़ रहा है। वो मेरी तरफ आ रहा है। मुझे महसूस हो रहा है एकदम मेरे सामने आ चुका है, बिल्कुल मेरे पास। अब मेरे सामने कोई नहीं है। ये सिर्फ मेरा वहम था। अब मुझे पूरा विश्वास हो चुका है कि इस कोठी में कोई रहस्य नहीं। इसी के साथ ही मैं मनीष मल्होत्रा इस आंखों देखे कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। नमस्कार। देखा डाली, तुम बेकार ही डर रही हो, मुझे डरा रही। शिवानी, देखो सुबह होने का ही कुछ भी नहीं हुआ, अब हम अपनी कामयाबी की मंजिल तक पहुंच गए शिवानी। और बड़ी धूमधाम से हमारी शादी होगी। अरे खुशी से भरा हमारा घर होगा, हमारा घर होगा। शिवानी शिवानी आई लव यू, आई लव यू शिवानी शिवानी, रियली तुम आ गया। आओ शिवानी, कमिश्नर साहब, एक जोड़ा फिर गायब हो गया और इस बार भी आपका पुलिस डिपार्टमेंट सिर्फ अफसोस जाहिर करके खामोश बैठा है। प्लीज माइंड योर लैंग्वेज, पुलिस डिपार्टमेंट खामोश नहीं बैठा है। आप अपने साथी की गलती, मनीष और शिवानी की क्या गलती है? जब उन्हें पता था कि उस इलाके से जोड़े गायब हो रहे हैं, तब उन्होंने ये रिस्क क्यों उठाया? हम आपकी मदद कर रहे हैं और आप उल्टा इल्जाम लगा रहे हैं। हम भी तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस झूठी तसल्ली से आम जनता को फुसला सकते हैं, हमें नहीं। कमिश्नर साहब, ये 2 पत्रकारों की जिंदगी और मौत का सवाल है। अगर 24 घंटे के अंदर पुलिस ने मनीष और शिवानी का पता नहीं लगाया तो हम खामोश नहीं रहेंगे। धमकी देने की जरूरत नहीं, हमें अच्छी तरह पता है कि आपकी कलम हमारे खिलाफ उठ जाएगी और पुलिस की बुराइयों से सारा पेपर भर जाएगा। हम किसी की बुराई नहीं, सच्चाई लिखते हैं। तो फिर इस केस की सच्चाई के बारे में क्यों नहीं लिखते? ये क्यों नहीं लिखते कि ये केस रूटीन नहीं है, इसलिए पुलिस को टाइम लग रहा है? आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि जोश में आकर ऐसा कुछ मत करो, वरना पुलिस को एक्शन लेना पड़ेगा। हमें अपने फर्ज और जिम्मेदारियों का एहसास है, इसलिए हम आपके पास ज्ञापन देने आए हैं।
वरना हम भी दूसरों की तरह तोड़ फोड़ और हड़ताल कर सकते थे। आई नो इसलिए मैं पर्सनली इस केस में इंटरेस्ट ले रहा हूँ और मैं वादा करता हूँ कि जल्द से जल्द हम इस केस को सॉल्व करेंगे। ओके, इसी उम्मीद के साथ फिलहाल हम जाते हैं। थैंक यू। लगता है अब ये केस सीआईडी को सौंपना होगा। दिल कहे रुक जा यहीं पे कहीं जो बात। अरे पानी कहाँ से? यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन पानी? हाँ? ओके। ये पानी कौन फेंक रहा है? पानी कहाँ से आ रहा है? हाँ? अच्छा तो तुम हो? हाँ? अच्छा तो ये तुम्हारी हरकत है, यहाँ क्या कर रही हो? बस यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा तुमसे मिलती चलूं। शुक्रिया। तुम्हारे मिलने का तरीका और बचकाना नहीं हो सकता? बचकाना? हाँ। क्यों, मैं तुम्हें सैल्यूट मारूं? नहीं, गोली मारो, पत्थर मारो, पानी मारो या फिर कुछ भी मारो। पानी? हाँ। मैंने कब मारा तुम पर पानी? तो फिर मेरी पीठ पे पानी कहाँ से गिरा? आसमान से गिरा क्या? Maybe, आसमान से तो पानी टपकता ही रहता है। वो भी इतनी धूप में? हाँ? धूप छाव का मुझे नहीं पता, बस मैंने पानी नहीं डाला। तो ये पानी तुमने नहीं फेंका? बिल्कुल नहीं। रियली? रियली। पक्का? पक्का। अच्छा तो अब देखो। हाँ, क्या कर रहे हो? क्यों? अब ला 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 रेशमी ज़ुल्फ है हुस्न कातिल तेरा, बज़्म में जो भी देखे मचल जाएगा। रुख से पर्दा हटाना संभल कर जरा, आग दिल में लगेगी तो जल जाएगा। रेशमी ज़ुल्फ है हुस्न कातिल तेरा, बज़्म में जो भी देखे मचल जाएगा। रेशमी ज़ुल्फ है खुशबुओं की दुल्हन, सारा आलम मोहब्बत में ढल जाएगा। सारा आलम मोहब्बत में ढल जाएगा। रुख से पर्दा हटाना संभल कर जरा, आग दिल में लगेगी तो जल जाएगा। रेशमी ज़ुल्फ है हुस्न कातिल तेरा, बज़्म में जो भी देखे मचल जाएगा। रेशमी ज़ुल्फ है। अच्छा
हुस्न पर नाज साजन है उनको मगर वक्त बदलेगा एक रोज क्या है खबर हुस्न पर नाज साजन है उनको मगर वक्त बदलेगा एक रोज क्या है खबर चार दिन की जवानी है ये बेवफा चार दिन की जवानी है ये बेवफा हुस्न तेरा ये एक रोज ढल जाएगा हुस्न तेरा ये एक रोज ढल जाएगा खुद से पर्दा हटाना संभल कर जरा आग दिल में लगेगी तो जल जाएगा रेशमी जुल्फ है हुस्न कातिल तेरा बज्म में जो भी देखे मचल जाएगा रुख से पर्दा हटाना संभल कर जरा आग दिल में लगेगी तो जल जाएगा रेशमी जुल्फ है हुस्न कातिल तेरा बज्म में जो भी देखे मचल जाएगा रेशमी जुल्फ है हुस्न कातिल तेरा बज्म में जो भी देखे मचल जाएगा अब क्या मुझे ऐसे ही सीने से लगाए रखोगे दिल तो यही कहता है कि तुम्हें सारी उम्र इसी तरह सीने से चिपकाए रखूं। लेकिन तुमने तो मुझे पूरा भिगा दिया है तुम्हारा बदन बाहर से भीगा हुआ है लेकिन अंदर से धधक रहा है तुम्हारी पलकें शर्म से झुकी हुई हैं फिर भी तुम्हारी आंखों में इकरार है कि आज शर्म की हर दीवार को गिर जाने दो नहीं विक्रम प्लीज तुम्हारे इस इनकार में भी इकरार है इसलिए मैं आज शर्मो हया की हर दीवार को गिरा देना चाहता हूं ओह शिट लो देखो तुम्हारे गोली मर बाप का फोन आ गया हेलो सर हाँ सर मैं विक्रम बोल रहा हूं ओके सर मैं आ रहा हूं सर ओके बाय डार्लिंग तुम्हारे पापा का फोन है कमिश्नर साहब का फोन है अब तो हमें चलना ही पड़ेगा चलें कम ऑन डार्लिंग कम ऑन क्या बात है कमिश्नर कुछ दिनों से देख रहा हूं कि काफी परेशान से लग रहे हो हाँ उस खंडाला वाली केस की वजह से यार खंडाला वाला केस क्या हुआ उसे वो केस सुलझने के बजाय उलझते जा रहा है अब हमारे लोग भी अंधविश्वास की बातें करने लगे हैं कहते हैं कोई मनहूस बंगला है तो इसमें इतना परेशान होने क्या बात है यार हो सकता है वहां कोई ऐसा बंगला हो जिसमें कोई प्रेतात्मा भटकती हो कमान यार तुम प्रोफेसर होकर भी आत्मा जैसी बातों पर विश्वास करते हो ऑफ कोर्स क्यों नहीं भाई मैं पैरासाइकोलॉजी का प्रोफेसर हूँ और आत्मा पर ही रिसर्च कर रहा हूँ समझे तुम्हारे जैसे लोगों ने ही इंडिया को बैकवर्ड बना दिया है फॉरेनर हंसते हैं हम पर गुड मॉर्निंग सर हाँ गुड मॉर्निंग बैठो हेलो अंकल हेलो हाँ बैठो विक्रम तुम्हें एसीपी कुलकर्णी ने फाइल दी यस सर मैंने उसे स्टडी भी कर लिया है लेकिन ये केस मुझे कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है इसलिए तो ये केस मुंबई पुलिस को दिया गया लेकिन मुंबई पुलिस भी इसमें बदनाम हो रही है ताज्जुब की बात यह है कि इतने जोड़े गायब हो गए हैं लेकिन एक भी सुराग नहीं मिला पूरा इंटेलिजेंस नेटवर्क फेल हो चुका है आई कांट से सर लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने अभी तक जो रिपोर्ट दी है उससे कुछ तो हल निकलेगा रवीश आई वॉन्ट रिजल्ट अब तक अपराधी कटघरे में खड़ा होना चाहिए था उल्टे हम ही जनता के सवालों के कटघरे में खड़े हैं इसलिए लोगों की बातों में विश्वास करने में बुराई ही क्या है भाई आत्मा भी तो कल्पित हो सकती है अरे यार तू तो आत्मा बनकर मेरे पीछे पड़ा है समझा कर हम कोई यहाँ आत्मा पर थीसिस नहीं लिख रहे हर लम्हा कीमती है पता नहीं कब किसकी जिंदगी के दरवाजे पर मौत दस्तक दे जाए समझे गायब जोड़ों की लाशें नहीं मिली इसका मतलब ना उनका मर्डर हुआ है और ना ही उनका एक्सीडेंट हुआ है किसी के घर फिरौती का फोन भी नहीं आया इसका मतलब उनका अपहरण भी नहीं हुआ है फिर उनका हुआ क्या उन्हें धरती निगल गई या आसमान सर मुझे लगता है कि हमें तफ्तीश की शुरुआत उसी जूनी कोठे से करनी चाहिए क्योंकि तमाम केसों में शक की सुइयां
उसी कोठे पर आकर रुक जाते हैं। यू आर राइट, गायब हुए जोड़ों की गाड़ियां उसी इलाके में मिली थी। फिर भी सर, मुझे लगता है कि अगर उस कोठे में कुछ दिन रुका जाए तो कोई ना कोई सुराग हमारे हाथ जरूर लगेगा। अगर शक कोठी पर है तो वहां तुम्हारा रुकना खतरनाक भी हो सकता है, अटैक तुम्हारे पर भी तो हो सकता है। ऑफ कोर्स सर, हम पुलिस वाला को इतना खतरा तो उठाना ही पड़ता है। भाई कमिश्नर साहब, अगर आपको एतराज ना हो तो मैं भी इनके साथ चला जाऊं। जा सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, काम और फर्ज के मामले में मैं दोस्ती यारी को नहीं मानता। अगर कोई गड़बड़ हो गई तो गोली मार दूंगा। भाई ये तुम्हारी आदत तो मैं कॉलेज के दिन से जानता हूं। देन ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच सर। कहाँ जा रहे हो? मैं खंडाला जा रहा हूँ। मैं भी चलूंगी। नीलो, मैं वहां पिकनिक मनाने नहीं जा रहा, मैं वहां अपनी ड्यूटी पर जा रहा हूँ। तो क्या हुआ? देखो नीलो, तुम बच्ची नहीं हो जो मैं तुम्हारी हर जिद पूरी करूं। मैं बच्ची नहीं हूँ इसीलिए तो तुम्हारे साथ जाने की जिद कर रही हूँ। देखो नीलो, मैं जिस मिशन में जा रहा हूँ ये मैं भी जानता नहीं कि मैं वहां से जिंदा वापस लौटूंगा अभी या नहीं, इसीलिए तो मैं तुम्हारे साथ जाने की जिद कर रही हूँ। और डार्लिंग, मेरी फिक्र छोड़ो, प्रोफेसर साहब भी मेरे साथ में जा रहे हैं, वो हमेशा साय की तरह मेरे साथ में रहेंगे। साय तो फिर भी साथ छोड़ दिया करते हैं, मैं तुम्हारे साथ सांसों की तरह रहूंगी। देखो नीलू, मैं जिस मिशन में जा रहा हूँ वहाँ से कई जोड़े गायब हो चुके हैं। अगर तुम अपने मिशन में कामयाब होना चाहते हो तो मुझे अपने साथ लेकर चलो। अच्छा, तो तुम ये बताओ कि तुम वहाँ पे क्या करोगी? मैं तुम्हारे साथ कपल बनकर जाऊंगी, फिर हो सकता है कि तुम पर भी अटैक करें और तुम मुजरिम को पकड़ने में कामयाब हो जाओ। रियली आई एम प्राउड ऑफ यू, तुम वाकई एक पुलिस कमिश्नर की बेटी हो, लेकिन मैं तुम्हारी जान को जोखिम डालकर अपनी कामयाबी कभी नहीं चाहूंगा। और मैं अपनी जान के डर से तुम्हारी नाकामयाबी कभी नहीं चाहूंगी, इसलिए मैं हर कीमत पर तुम्हारे साथ चलूंगी। लेकिन तुम्हारे पापा को कौन मनाएगा? पापा को मनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। लाओ मोबाइल। रियली? ऑफ कोर्स। लो, अपने गोली मार पापा से बात करो। हेलो पापा, मैं नीलू बोल रही हूँ। हाँ बोलो बेटी। पापा, मैं विक्रम के साथ खंडाला जाना चाहती हूँ। क्या विक्रम पागल हो गया क्या जो तुम्हें साथ में खंडाला लेके जा? वो मुझे नहीं लेके जा रहा है पापा, मैं उसके साथ जाना चाहती हूँ। अरे नहीं बेटी, विक्रम एक खतरनाक मिशन पर जा रहा है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है, तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा हो गया तो। पापा जल्दी से हाँ करते हैं कि नहीं, नहीं तो मैं भूख हड़ताल कर दूंगी। अरे नहीं नहीं, चली जाओ बेटी। ठीक है, फिर खिलाड़ी के हाथ से मेरा सूटकेस भिजवा देना, मैं बाड़ू को पैकिंग के लिए फोन पर समझा दूंगी। हाँ ठीक है ठीक है, पहले विक्रम को फोन दो। थैंक यू पापा, आई लव यू। बात करो। हेलो। हाँ विक्रम, नीलू तुम्हारे साथ खंडाला जा रही है, उसका ख्याल रखना। ओके सर, बाय। तुम्हारा बाबी क्या ग्रेट आदमी है। कमान डाले कमान। ये क्या है बाड़ू? ये हॉल है, ये धोबी घाट बना रखा है, ये क्या कर रखा है सत्यानाश? मैडम मेरे को मत बोलो इस बारे में, पहले ही छोटी बेबी ने दिमाग खराब किया है मेरा। क्यों, क्या किया है उसने? अरे पूछो क्या नहीं किया, पहले एक घंटे तक बेडरूम बेडरूम से हॉल में घुमाया, फिर फोन पर कपड़ा सिलेक्ट करता है। बाहर जाना था तो पहले बोलना था ना। बाहर? कहाँ भाग गई है वो? मेरे को क्या मालूम, साहब से पूछो ना। ठीक है मैं साहब से पूछती हूँ, तुम तब तक ये समेटो, अच्छी तरह समेट कर रखो। जी मैम। अजी सुनो, ये नीलू कहाँ गई है? खंडाला गई है। खंडाला गई है? ये अचानक खंडाला किस लिए चली गई? अकेले? अकेले नहीं, विक्रम के साथ गई है। विक्रम के साथ? हे भगवान, तुम्हें कुछ अकल है कि नहीं है? अरे अकल तो होगी, तभी तो कमिश्नर बना हूँ। तुम्हारी अकल तो हवलदार बनने लायक भी नहीं है। क्या करता, वो विक्रम के साथ जाने के लिए जिद कर रही थी। क्यों, दूसरों के सामने तो बड़ा रौब दिखाते हो, हर वक्त गोली मारने की बात करते हो, और बेटी के सामने तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो जाती है? ये तो दुनिया का दस्तूर है मैम साहब, या तो आदमी अपने औलाद से हारता है या अपनी बीवी से। देखो मैं गुस्से में हूँ, मुझे छेड़ो नहीं, आने दो उस विक्रम के बच्चे को, शादी से पहले ही हनीमून। क्या बकवास कर रही हो, क्या तुम्हारा उन दोनों पर विश्वास नहीं है? उन पर भरोसा है, पर नई जवानी धधकती आग की तरह होती है, समझे? वही घिसी पीटी पुराने बातें करती हो। अब तक तो बेटी की तरफदारी करते थे, अब उस विक्रम की भी तरफदारी करने लग गए। तरफदारी?
तरफदारी की बात नहीं है, विक्रम ऑन ड्यूटी गया है उस खंडाला वाली केस की तहकीकात करने। क्या? हे भगवान, तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? पता नहीं उन्हें छोड़ा समझा। तुम बेकार की बातें मत करो। अगर मेरी बेटी के साथ कुछ भी ऊंच नीच हो गया ना, तो मैं तुम्हें कभी नाफ नहीं करूंगी। शारदा, तुम फिक्र मत करो, प्रोफेसर चावला भी उनके साथ गए हैं। हे भगवान, न जाने वो किस हाल में होंगे। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? उस लड़की को तुम देख रही हो? प्रोफेसर को उठाऊं? नहीं, खिलाड़ी। जी साहब। जी नीचे उतरो। जी जी साहब। जी खिलाड़ी, तुम उस लड़की को देख रहे हो? जी 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 हाँ साहब जी, देख रहा हूँ साहब जी। उससे बंगले का पता पूछ के आओ। जी साहब जी। जी साहब जी, ये वही लड़की तो नहीं है जो गायब कर देती है? तुमसे जो कहा है ना, वो करके आओ, जाओ। जी साहब जी। आ जा रे, मैं तो कब से खड़ी इस पार ये अखियां। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर सीखी क्यों? तुम्हें देखकर मैं क्या भूतनी लगती हूँ? तुम्हारा गाना लगता है। अबे, तेरे जैसे शहरी लोगों को मैं कोठी छोड़कर आती हूँ। सच सच बता, तू कौन है और मेरा पीछा क्यों कर रहा था? मैं अनाड़ी हूँ, मैं खिलाड़ी हूँ और जूनी कोठी का पता पूछने आया था। अबे खिलाड़ी नंबर वन, तू तो एकदम अनाड़ी है रे। फिर तो उस सुनसान कोठी के पीछे दीवाना बसता रहा क्यों हो रहा है रे? सुनसान कोठी नहीं, जूनी कोठी। अबे बिन बादशाह के गुल्लू, वो जूनी कोठी अब सुनसान कोठी है। रात में वहाँ जो जाता है गायब हो जाता है। गायब हो जाता है? तुझे भी गायब होने का शौक है रे? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं, मेरे साहब को है। मुझे खाली पता बता दीजिए। आओ मेरे साथ, मैं वहीं जा रही। तुम पैदल क्यों जा रही हो? पैदल क्यों जा रही, गाड़ी में चलो ना। आओ आओ आओ, चलो आ जा आ जा, ओ आ जा, भाग के आ जा। आओ 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 आओ। साहब जी मैं ले आया। अबे तुझे जूनी कोठी का पता पूछने भेजा था, तू पूरा पार्सल उठा के ले आया? साहब जी ये पार्सल, मतलब ये लड़की भी उसी पते पर, मतलब उसी कोठी पर जाएगी। अच्छा? साहब जी इसे कार में बिठा लेना। तुम उस कोठी में रहती हो? अरे नहीं नहीं साहब, उस कोठी में तो आत्माएं रहती हैं। मैं तो वहाँ खाना देने जाती हूँ। किसे? आत्माओं को। साहब दिकुस्ता बाबा को। ये दिकुस्ता बाबा कौन है? अरे वही तो उस कोठी की देखभाल करते हैं। लोगों ने तो बहुत समझाया कि अब उस कोठी को छोड़ दो, लेकिन वो मानते ही नहीं। जरूर उसमें कोई राज होगा। अब क्या राज है साहब, वो तो भगवान ही जाने। लेकिन एक बात है। क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गई? नहीं साहब, आप और मैम साहब रात को वहाँ रुकेंगे तो नहीं? हाँ क्यों? अब आपने वहाँ रुकने का फैसला कर ही लिया है तो मैं क्या कहूँ। चलिए। आप लोग अपना सामान उतारिए, तब तक मैं बाबा को बुला के लाती। ठीक है। इस लड़की और डिकोस्टा के बीच में क्या रिलेशनशिप हो सकता है? ये रसमलाई और डिकोस्टा के बीच एग्जैक्टली क्या रिलेशनशिप है, ये तो बाद में ही पता चलेगा। रसमलाई ने जो कहानी हमें रास्ते में सुनाई थी, उससे बार बार मेरा शक दोनों पर जाता है। तुम्हारा क्या ख्याल? ख्याल? अगर यही ख्याल मेरा होता तो आप सब लोग यही कहते कि तुम पुलिस वालों को हर किसी पे शक करने की आदत सी होती है। हाँ।
अजीब पागल है ये साहब। पागल लोग तो अजीब ही होते हैं। वो वाकई पागल है। वो अक्सर यहाँ भटकता रहता है। ये डिकोस्टा बाबा है। I am विक्रम। हेलो प्रोफेसर एन के चावला। हेलो हेलो खिलाड़ी। हेलो हेलो एंड नीलू। हेलो हेलो। हम लोग बॉम्बे से यहाँ पिकनिक मनाने के लिए आए हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो हम लोग कुछ दिन यहाँ ठहर जाएं। बाबा इनकी गाड़ी भी खराब नहीं हुई। क्या मतलब? स्कूटी में ठहरने के लिए गाड़ी का खराब होना जरूरी है क्या? जरूरी नहीं है लेकिन अक्सर ऐसा होता रहता है। आप लोग लकी हैं। आइए। वाह वाह कितना बड़ा और कितना सुंदर हॉल है। तो फिर तुम रात को यही रुकना ताकि अगर कोई गायब करने वाला आए तो तुम दरवाजा खोलकर बाहर भाग जाना। रसमलाई। मिस्टर डिकोस्टा, रसमलाई ठीक ही तो कह रही है। मेहमानों की खाते नवाजी के लिए कोई ना कोई तो होना ही चाहिए ना। नहीं साहब जी नहीं, अकेला ही हॉल में रहूंगा तो मैं डर जाऊंगा। खिलाड़ी तुम्हें कहा ना तुम यही सोओगे। यही मरूंगा। रसमलाई। जी बाबा। तुम इनको इनका कमरा दिखाओ, हम चढ़ चौ कर आता है। अच्छा बाबा चलिए। प्रोफेसर साहब आइए। मैम साहब चलिए चलिए चलिए। अरे तुम कहाँ चले? सुना नहीं तुम्हें यही रुकना है। मुझे यही मरना है। अबे तू भी मर। ये आपका कमरा है आइए। प्रोफेसर साहब आपका कमरा वहां है आइए। बाय प्रोफेसर साहब। बाय। गर्मी है। ओफो जनाब को वहां तो बेड पर बैठने के लिए भी बोलना पड़ता था, यहाँ तो आते ही लेट गए। अरे यार कभी तो कुछ और बात कर लिया करो। ओ डार्लिंग ऐसा मौका बार बार थोड़े आता है। रियली? अरे एक बात तो मैं पूछना भूल ही गई, आप लोगों का खाना मैं घर से बना कर लाऊं? नहीं शुक्रिया, हमारा खाना खिलाड़ी बना देगा। जी अच्छा। संगे मरमर से तराशा हुआ ये शौक बदन इतना दिलकश है कि अपनाने को जी चाहता है। तुमसे क्या रिश्ता है कब से ये मालूम नहीं लेकिन तेरे हर एक जलवे पे मर जाने को जी चाहता है। अब क्या है? एक बात और मैं कहना भूल गई, आप लोग रात को खिड़कियां बंद कर लेना वरना रोशनी देखकर कीड़े पतंगे अंदर आ जाएंगे और आपको सोने नहीं देंगे। हम खिड़कियां बंद कर लेंगे, तुम जाओ। यार ये कोठी तो पूरा पागल खाना है। अब क्या बाकी है? दरवाजा बंद करना। जब भी आप लोगों को सोना हो तो दरवाजा बंद रखा कीजिए। रसमलाई जी अगर आप इसी तरह बार बार बीच में अटपकेंगे तो हम आराम कैसे करेंगे? हाँ ये बात भी ठीक है। अच्छा मैं चलती हूँ, कल आऊंगी। ठीक है बाय। ये घड़ी के पेंडुलम की तरह बार बार अंदर बाहर क्यों हो रही है? मुझे क्या पता, कहीं इस चुड़ैल के साथ तुम्हारा कोई चक्कर तो नहीं चल गया। तुम्हें ऐसा लगता क्या? लगता तो नहीं है लेकिन तुम मर्दों का भरोसा भी नहीं, तुम इसे कुछ कहते भी तो नहीं। ठीक है अगर तुम कहती हो
तो मैं अभी चक्कर चला के आता हूँ। अरे नहीं डालेंगे, ऐसे कैसे छोड़ू डालेंगे, आई लव यू डालेंगे, अरे डालेंगे, अरे डालेंगे, अब जल्दी आना। क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे डर लग रहा है। अरे तुम तो बड़े खिलाड़ी हो, कुछ चक्कर चला लेना। चक्कर? चक्कर हाँ, एक चक्कर चल सकता है। वो क्या? सुनो सुनो सुनो, रात को तुम भी नहीं सो जाना। मैं वो मिठाई नहीं जिसे चीटे खा जाए, समझे? मैं क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं अपनी रसमलाई को चख रहा हूँ। ए, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। तुम ऐसे वैसे नहीं हो, इसीलिए तुम्हारे दिल ऐसा वैसा हो रहा है। कैसा कैसा हो रहा है? कैसा कैसा हो रहा है, लो तुम खुद ही देख लो ना। हाय राम, ये तो जोर जोर से धक धक कर रहा है। चलो चलो, हम वैद्य के पास चले। रसमलाई, ये दिल का दर्द है, कहते हैं कि इस उम्र में दिल का दर्द दवा से नहीं मिटता। अच्छा, फिर कैसे? फिर कैसे, तुम अपना दिल मेरे दिल से लगा दो, बस मेरा दिल अपने आप, नहीं नहीं नहीं, दर्द अपने आप गायब हो जाएगा। नाम खिलाड़ी है लेकिन एक तमानाड़ी हो। प्यार के खेल में पहला ओवर ऐसे ही होता है, बाद में सभी चौके छक्के लगाते हैं, मगर तुमने मुझे खिलाड़ी नंबर वन बना ही दिया है। कोटी चलो ना। ना बाबा ना, मुझे नहीं जाना मरने। मुझे जाना ही पड़ेगा, मेरा सांप जो वहाँ पर है। मरने दो अपने साथ, मेरे साथ चलो मेरे घर। तुम्हारे घर? चलो, नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा बाप मार डालेगा। मेरे माँ बाप नहीं है। माँ बाप नहीं है, वाह कितनी अच्छी बात है। क्या? नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि जिसके सास ससुर नहीं होते वो स्वर्ग, वो ससुराल स्वर्ग होता है। चलो स्वर्ग चलते हैं। हे भगवान, मैं गायब होने से बच गया। चलो 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 चलो। आप इस तरह दरवाजा क्यों खटखटा रहे थे? आवाज तो नहीं? कैसे आवाज दूं? तुम्हारे बाप की डांट खा खा कर मेरी तो आवाज चली गई। आधे घंटे से डांट रहा है मुझे, कहता है कि मेरी बेटी से बात क्यों करवाई, कहाँ है वो, क्या कर रही वो। ओफ, तो आपने बता दिया होता। किसे बता दूं, कोई भी बात करने जाता हूँ तो सुनने से पहले ही चिल्लाने लगता है, अब भी चिल्ला रहा होगा। सच कहते हैं, पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। लो अब तुम ही उसका भाषण सुनो, और हाँ जब उसकी डांट पूरी हो जाए ना तो मेरा गुड नाइट कह देना। गुड इवनिंग सर। शट अप प्रोफेसर, आवाज बदल कर मुझे गुस्सा मत दिलाओ, नहीं तो गोली मार दूंगा। मैं विक्रम बोल रहा हूँ सर। ओ विक्रम। यस सर। विक्रम प्रोफेसर कहाँ गया? प्रोफेसर साहब आपको गुड नाइट बोल के सोने चले गए। ओ
तुमने अभी तक मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैं आपको फोन कर रहा था सर, लेकिन ये मोबाइल यहीं के जाके नहाने चले गए थे सर। दो घंटे से ना रही है क्या? सर वो क्या है कि यहाँ पर बहुत गर्मी पड़ रही है, इसलिए बार बार नहाने का दिल चाह रहा है सर। नीलू का ख्याल रखना, उसे जरा भी तकलीफ हुई तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। ठीक है सर, वो तो मैं रख ही रहा सर। नीलू को फोन दो। ओके सर। ए, ये तेरा बुढ़ा खुसर जब भी देखो गोली मारने लगता है। देखा, सच बोला तो मिर्ची लगती है। हेलो डैड। हाय नीलू, तुम ठीक से पहुंच गई? हाँ डैड, हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक पहुंच गए। नहीं डैड, आपने इतना स्मार्ट बॉडीगार्ड साथ में भेजा है कि क्या हुआ तुम्हारी आवाज को? कुछ नहीं डैड, वो ठंड लग रही है ना, इसलिए सीसी की आवाज नहीं लग रही है। वो विक्रम तो कह रहा था वहाँ गर्मी हो रही है। गर्मी गर्मी तो है, लेकिन मैं बहुत देर से नहा रही थी ना, इसलिए ठंड लग रही है। पहन लो, गर्म कपड़े पहन लो, नहीं तो ठंड लग जाएगी। डैड मैंने गर्म कपड़े पहन लिए हैं। तुम ऐसा करो, तुम गर्मा गर्म सूप पी लो। ओके डैड, मैं विक्रम से कहूंगी मुझे गर्मा गर्म सूप पिलाने के लिए। ओके डैड, गुड नाइट। गुड नाइट। ओफो, क्या कर रहे हो? बेशरम, फोन भी बंद नहीं करते। रात को कहाँ जा रहा है? बस बहुत हो गया इस तब से, तुम और कितना बेकसूर लोगों का जान लेगा। तुमको गॉड का वास्ता, तुम अब कोई खून खराबा नहीं करेगा। जो लोग कह रहा है उनका खून नहीं होना मांगता, खून नहीं होना मांगता, खून नहीं होना मांगता। हम बोलता है खून नहीं होना मांगता। बस खबरदार, हिलना नहीं वरना मैं गोली मार दूंगा। कौन है तुम? कौन है तुम? पीछे मुड़ो। दिखोस्ता तुम? हाँ। कौन था दूसरा आदमी? किसे तुम बातें कर रहे थे? यहाँ दूसरा आदमी कोई नहीं। झूठ मत बोलो, कौन था वो? लेगोस्टा कभी झूठ नहीं बोलता। तुम सच बोलते हो या गोली मार दो? विक्रम क्या कर रहे हो? विक्रम प्रोफेसर साहब, ये वही आदमी है जिसकी वजह से इतनी सारी हत्याएं हुई हैं। ये आदमी उस सबकी मौत का जिम्मेदार है। जो लोग यहाँ पे खुशियां मनाने आया करते थे उन्हें ये मौत के घाट उतार दिया करता था। डिकोस्टा, मैंने भी तुम्हारी सब बातें सुनी, अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि सब कुछ सच सच बता दो। बोल, मैं कहता बोल, कौन था दूसरा आदमी? बोल। बोला ना, यहां कोई दूसरा आदमी नहीं था। तो फिर तुम किससे बात कर रहे थे? कौन था वो? अपना डॉक्टर रूबी से। रूबी? कहां है वो? कहां है वो? अच्छा तो सीधी भाषा तेरे को समझ में नहीं आती। हाँ, अब तू नाटक करके पुलिस को गुमराह करेगा? बोल, कौन था दूसरा आदमी? बोल। हम क्या गुमराह करेगा साहब? गुमराह तो हमको किया, हमारा डॉक्टर छीन के, हमारा डॉक्टर को गुमराह किया, उसका जिंदगी छीन कर। मतलब? हमारा डॉक्टर अब इस दुनिया में नहीं है। क्या हुआ था तुम्हारी बेटी साहब? वही जो गरीब और मजलूमों के साथ होता है, जो मालिक लोगों को फरिश्ता समझकर सेवा किया, वही शैतान बन गया। हमारा तुलसी बच्ची को कुचल दिया साहब, मार दिया उसको, उसका बॉयफ्रेंड डाली को भी मार दिया।
बहुत चाहता था हमारा बेटी को। आज हम तुम्हारे लिए क्या लाया है? वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल रिंग। लेकिन सस्ता है। कीमत गिफ्ट का नहीं, देने वाले का फीलिंग्स का होता है। तो मेरा फीलिंग को समझो और फटाफट उंगली बढ़ाओ। क्या हुआ? वो ही सब शादी का बाद। क्या तुम्हें हम पर भरोसा नहीं? भरोसा तो है, लेकिन ये सब शादी का बाद ही अच्छा लगता है। तो ठीक है, हम आज ही चर्च में चलकर गॉड के सामने तुम्हें अपना लेंगे। ओह माय गॉड, अब क्या हुआ? अब तक तो हमें घर पहुंचना चाहिए था, वहाँ सब लोगों को जाके खाना देना है ना। क्या रूबी, अभी तो आई हो, अभी चली जाओगी? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, पापा का तबीयत भी ठीक नहीं है। तो ठीक है, उन लोगों को खाना देकर चर्च चलेंगे। ओके, लेकिन हम मिलेंगा कहाँ? कोठी के पीछे, हम तुम्हारा इंतजार करेगा। ओके, लेकिन अभी हम चलता है, पापा इंतजार करता होगा ना, देर हो रही है। चीयर्स! नागराज, यार ना तो मैं योगी हूँ और ना योग जानता हूँ, फिर भी लोग मुझे योगराज कहते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, मेरी ट्रेजेडी तो तुमसे भी दर्दनाक है। मैं ना तो नाग हूँ और ना तो राजा,
फिर भी लोग मुझे नागराज कहते हैं और मेरा नाम सुनते ही लोग डर के मारे कांप उठते हैं। वो समझते हैं कि मैं कोई खौफनाक आदमी। वैसे वो गलत नहीं सोचते, तू शक्ल से ही भयानक लगता है बे। अच्छा हाँ ठीक है, तुम्हारी नजरों में लगता होगा, लेकिन वैसे मैं बहुत शरीफ हूँ। तभी तो मेरा मैनेजर वाघ मारे दिवाली पर 4000 की चपेट लगाया मुझको। वो कैसे? दिवाली आ रही थी, सोचा कि फार्म हाउस में कम से कम चुनाई लगवा दूं, तो मैंने उसको 4000 रुपए दिए। दीवारों पर चुना लगाने के बजाय वो नागराज को चुना लगा गया, 4000 की दारू पी गया। हंसता है। वैसे नागराज एक बात बता दूं, डिकोस्टा डैडी के जमाने का नौकर जरूर है, बुढ़ा हो गया है, लेकिन पैसे के मामले में बहुत ईमानदार है। अच्छा, वैसे वाघ मारे भी बुरे दिल का आदमी नहीं है। हाँ, जब थोड़ी पी लेता है तब अपने आप को राजा महाराजा समझने लगता है। नागराज, ये दारू है बड़ी कुत्ती चीज। सही कह रहे हो। ये तुम बोल रहे हो, जिसकी शाम होते ही घंटी बज जाती है। हमारे पीने से ये शराब गंगाजल नहीं बन जाएगी नागराज, ये है ही बड़ी कमीनी चीज। इसे पीने के बाद बड़े बड़े देवता शैतान बन जाते हैं। प्रवचन देने लग गया, तुम्हारे माँ बाप ने सही नाम रखा है, योगराज। हाँ यार वो तो ठीक है, लेकिन ये टिकॉस्ट गया किधर है यार? चकना लेने गया, कहाँ गया यार? अभी वो चकना लेके नहीं आएगा, सीधा खाना लेके आएगा। एक गलती हो गई है, एक गलती हो गई, हमें कुछ कबाब सबाब जरूर लाना चाहिए था। कबाब नहीं, शबाब चाहिए। ओके ओके यार, इतने गर्म क्यों होते हैं? सब सही है। ये अमावस की रात में ये चांद कैसे निकल आया? अबे चांद तो उधर से निकलता है बंदे, उधर से पीछे देख। या ये चांद नहीं है नेगो, ये तो चकना है, चकना। ए, सुनो। रुको, तुम यहाँ कैसे? तुम कौन हो? हम मिस्टर डिकोस्टा का बेटी है। डिकोस्टा? यानी कि तुम रूबी और रूबी? इससे हाँ, हम आपके लिए खाना लाया है। खाना टेबल पे रख दो ना। अच्छा स्वीटहार्ट। नेगो योगु, एक चकना तो आ गया। अरे चांद से मुकरे को अभी मत छुपाओ, क्योंकि इसमें ग्रहण लगने वाला है। हमारा हाथ छोड़ दो, नहीं तो हम पापा से कह देगा। देखो ये कहती है कि हम पापा से कह देंगे। देखो तुम्हारे पापा हमारे लिए काम करते हैं तो हम उसे बख्शीश देते हैं, तुम हमारे लिए काम करोगे तो तुम खूब सारा बख्शीश देगा। हमको नहीं चाहिए कोई बख्शीश। नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? हम तो देंगे, हम तो जरूर देंगे। तो नहीं सही, बिना लालच का अपना प्यार हमें दे दे, क्या फर्क पड़ता है? दिलदार अच्छी बात है, हमें दिलदार लोग बहुत पसंद है। पानी भी पसंद है। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आपका पाँव पड़ता है। देखो ये पाँव पड़ते हैं, भी इसके पाँव पड़ता हूँ। देख आज की ये रात एक यादगार रात बन जाएगी। तू मेरी बाहों में आ जा, पकड़ ले, पकड़ ले इसको। देखो छोड़ दो, लग रही है। तो रूबी का आवाज लगता है। तुमने हमारा रूबा हाथ लगाया, हम तुमको छोड़ेगा नहीं, जान से मार देगा तुमको। हाँ जान से। तुमने हमारा रूबी का हाथ लगाया, इसको चाकू मार दिया, हम तुमको मार डालेगा। अब क्या देख रहा है उसे? अबे ये तो सचमुच मर गया, 10 मिनट में यहाँ तो मौत की चादर फैल गई यार। इसके जिम्मेदार तुम हो, लड़की देखनी और लाल टप करना शुरू। अबे ओ, इसका जिम्मेदार तू भी है, उतना ही हकदार है। इस लड़की को टपकाने की क्या जरूरत थी?
अगर मैं इस लड़की को नहीं टपकाता तो ये हम लोगों को टपका देता, समझा? अभी ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब इन लाशों को ठिकाने लगाने की सोचो। एक काम कर। क्या? इन लाशों को हम दोनों ठिकाने लगा देते हैं और रातों रात यहाँ से भाग जाते हैं। तू उस लड़की को उठा ले, मैं इसको उठा के ले जाता हूँ। ठीक है। देखो क्या हुआ, देखो तेरे को क्या हुआ? क्या खुली थी इस, क्या खुली थी? पागल हो गई क्या? घर नहीं चाहता, ये तो मरी नहीं चाहता। अबे ये तो मरी भी है, तू घर मरेगा, ये तो मरी भी है, तू पागल हो गया, तू पागल हो गया, तू पागल हो गया। अबे रुक, पागल हो गया, रुक, मेरे को अकेला छोड़ दे। अबे मैं पागल हो गया, मैं पागल हो गया। से पालकर उसको बड़ा किया, उन्हीं यादों से उसको दफन किया। देखो डिकॉस्टा, तुम्हारी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ उसका हमें बड़ा दुख है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि वो बेकसूर जोड़ों का खून क्यों कर रही है? उसका इंतकाम तो तभी खत्म हो गया था जब उसने नागराज और योगराज का खून किया। शायद हमारा बेटे को प्यार का खुशी नहीं मिला, इसलिए वो बहसी हो गया और हर जोड़ा को मारने लगा। डिकोस्टा, तुम्हारी बातों में कितनी सच्चाई है यह तो रूबी मर्डर के इस फाइल देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन एक बात तय है कि तुम भी इस जुर्म में बराबर के शरीक हो। नहीं, ये झूठ है। ये सच है, तुम उन सब जोड़ों को इस बंगले में ठहराते थे ताकि तुम्हारी बेटी आसानी से सबका मर्डर कर सके। गॉड का वास्ते, हम पर इस तरह का इल्जाम नहीं लगाने का। जब रात को लोगों का गाड़ी खराब होता हम तरस खाकर उनको यहाँ रहने को देता था। ये जानते हुए भी कि उनकी जान को यहाँ खतरा हो सकता है? तो फिर क्या करता, क्या करता मैं? अगर हम उनको कोठी में नहीं ठहराता
तो भी उनकी जान को खतरा होता। तुम उन्हें आत्मा की बात बताकर सावधान भी तो कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। हमने लोगों को बहुत समझाया लेकिन कोई नहीं माना, उल्टा हम पर हंसता कि डिकोटा पागल हो गया है। तुम्हारी बात भी सही, लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि लड़के लड़कियों की मौत एक साथ कैसे होती थी। जब रूबी की आत्मा किसी लड़की में जाता था तो वो अपना बॉयफ्रेंड को मार देता था, और वो आत्मा जब बाहर जाता तो वो लड़की भी मर जाता था। डिकोसा, अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपना जुर्म कबूल कर लो, क्योंकि तुमने इस साजिश में शामिल होकर कानून को गुमराह करने की कोशिश की है। अब तुम कानून से नहीं बच सकते। नहीं, सलामत। गुनाह करने वाला और गुनाह के सबूत को मिटाने वाला दोनों ही गुनहगार होते हैं। नहीं, तुम बाप बेटी दोनों ही बराबर के हिस्सेदार हो। बेटी बदले की आग में जलकर खून करती चली गई, और बाप बेटी के गम में पागल होकर खून करवाता चला गया। यह झूठ है। हम रूबी को कत्ल करने से पहला और बाद में यही समझा था, हम आज भी यही करने आया था। तस्वीर का सामने हमने रूबी को रिक्वेस्ट किया कि इस कोठी में जितना लोग ठहरा हुआ है उनका कत्ल नहीं करने का, लेकिन रूबी ने कोई जवाब नहीं दिया। लगता है वो आज रात को भी किसी का कत्ल करने वाला है। क्या बात प्रोफेसर? नीलू कमरे में अकेली है। माय गॉड, आप यहीं रुकिए, मैं नीलू के पास जाता हूं। जाने की कोशिश करो नीलू, मैं तुम्हारी जान। नीलू तुम्हें क्या हो गया? नीलू, नीलू मैं विक्रम, विक्रम तुम ऐसे क्यों देख रहे नीलू मुझे? नहीं नहीं, तुम नीलू, मैं विक्रम, आई एम योर लव। नीलू नहीं, नीलू नीलू प्रोफेसर गर्दन छोड़ो। नीलू नीलू वो क्या कर रहा है? क्या कर रही हो? माय गॉड विक्रम, विक्रम,
लिखे बाबा वो माल मुझे दो विक्रम जल्दी करो वो माल मुझे दो विक्रम जल्दी करो विक्रम विक्रम जल्दी करो वो बाल उठाकर मुझे शांत हो जाओ और घूमती हुई इस गेंद को देखती रहो अब तुम्हारा सारा ध्यान इस बॉल पर है तुम्हारा शरीर ढीला पड़ रहा है तुम्हारी आंखें भारी हो रही हैं तुम्हारा मन एकदम शांत हो चुका है अब तुम्हारा मन एकदम शांत हो चुका है एकदम शांत तुम कौन हो हम रूबी हैं क्या चाहती हो तुम सबका मौत ये रात तुम सबका लिए कयामत का रात होगा लेकिन हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा मैंने और मेरे जॉनी ने भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था फिर हमें ये सजा क्यों मिला बेटा तुम्हारा साथ उन दर्दों ने बहुत नाइंसाफी किया उनको उसका सजा मिल गया मगर तुम बेकसूर जोड़ा का खून करके उनसे भी ज्यादा नाइंसाफी करता है बेटा उनसे भी ज्यादा नाइंसाफी करता है हाँ हाँ हम नाइंसाफी करेगा और नाइंसाफी करेगा क्योंकि मरते वक्त जितना हम तड़पा था उससे ज्यादा मरने का बात तड़प रहा है दूसरों को मौत से तड़पता देख हमको सुकून मिलता है इसलिए आज का ये रात तुम सबका मौत और हमारा सुकून का रात होगा ये रात तुम्हारी मुक्ति की रात होगी तुम्हें तुम्हारे जॉनी की कसम तुम्हें तुम्हारे जॉनी की कसम तुम दोनों के प्यार का वास्ता आज के बाद तुम किसी का खून नहीं करोगे तुम किसी का खून नहीं करोगी तुम किसी का खून नहीं करोगी हाँ या ना में जवाब दो रूबी और कोई भी फैसला करने से पहले एक बार सोच लेना क्योंकि तुम्हारे इनकार के बाद लोग यही कहेंगे कि तुम्हारी मोहब्बत झूठी थी तुमने जीते जी जॉनी को धोखा दिया और मरने के बाद दूसरों की मोहब्बत से जलकर उनकी हत्या करती रही तुम एक झूठी मक्कार फरेबी और रूबी तुम्हारा प्यार एक नाटक था नहीं 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 मेरी और मेरे जॉनी की मोहब्बत सच्ची थी हम दोनों ने एक दूसरे से सच्चा प्यार किया था सच्ची मोहब्बत करने वाले कभी ऐसी हरकत नहीं किया करते सच्ची मोहब्बत करने वाले दूसरों के लिए कुर्बानियां देते इसलिए अब तुम्हें यहां से जाना होगा हमेशा हमेशा के लिए जाओ बेटा जाओ अपने बाप का खतर जाओ बेटा जाओ ठीक है हम चला जाएगा लेकिन तुम्हारे जाने का सबूत क्या होगा हमें कैसे पता चलेगा कि तुम जा चुकी हो तुम्हें पता चल जाएगा मेरा बेटा गया बेटा हम तुम्हारा गुनहगार हैं हम तेरे वास्ते कुछ नहीं कर सका बेटा नीलू 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 आंखें खोल नीलू 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 गुड मॉर्निंग अंकल गुड मॉर्निंग अंकल कल रात को क्या हुआ था कल रात को कुछ भी तो नहीं हुआ कुछ तो हुआ होगा अरे नहीं गुड मॉर्निंग प्रोफेसर अरे विक्रम लो विक्रम आ गया इसी से पूछ लो तुम कहाँ चले गए थे और ये खिलाड़ी कहाँ मर गया अरे उसे ही ढूंढने गया था अब तक उससे कोई पता नहीं चला क्या लेकिन मुझे उसे ढूंढने के चक्कर में उस जगह पता चल गया है जहाँ गायब जोड़ों की लाशों को दफन किया गया था कहाँ
इस कोठी के पीछे जो झाड़ियां हैं वहां एक गड्ढा है उसमें। लेकिन उन लाशों को वहां दफनाता कौन था? मिस्टर डेकोस्टा। क्या? मिस्टर डेकोस्टा। ओह फॉरगेट एवरीथिंग, नाउ दिस केस इज सॉल्व। प्रोफेसर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे साथ में नहीं होते तो शायद ये फाइल जिंदगी में कभी बंद नहीं होती। मेरी तफ्तीश तो पूरी हो चुकी है, मेरी समझ में ये नहीं आता कि मैं अपनी रिपोर्ट में लिखूं तो क्या लिखूं। देखो विक्रम, ये एक सपने की तरह होता है और हर आदमी इस पर विश्वास नहीं करता। जिसके साथ ये हादसा होता है वही इस पर विश्वास करता है, बस। यू आर राइट साहब जी। खिलाड़ी तुम, अरे तुम कहां मर गए थे? रात भर में तुम्हें ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया, मुझे तो लगा कहीं तुम भी गायब हो गए हो। मैं स्वर्ग गया था जी। नहीं नहीं, मैं दूसरे चक्कर में फंस गया था जी। किस चक्कर में फंस गए थे? जी वो रसमलाई। रसमलाई तुम? साहब जी मैंने कर ली। क्या? शादी। ओह क्या बात है खिलाड़ी, तुम तो बहुत बड़े खिलाड़ी निकले। हाँ चेला किसका हूँ। हेलो क्या हुआ प्रोफेसर, रात को कुछ पता चला? लो अब इन्हें भी बताओ।